मंगल सूत्र 10 और मनके और मोती जो इसके अंदर हैं या जो इसके अंदर रत्न हैं या ज्वेल हैं या जो हीरे आप इसमें प्रो रहे हैं, टोटल मिला के ये 38 हैं, उसमें 31, 32, 33, 34 इस मंगल सूत्र नंबर 10 में है। 31, 32, 33, 34 तपो चे बही चर्य चे अर्य सच्चानं दस्सनं निब्बान सच्ची क्रिय चे एतं मंगल मुत्तमं। तपो, तपो माने जो होता है, तप माने होता है वैसे तापमान, यानी कि टेम्परेचर, यानी गर्मी। मगर यहां जो तप आता है, तप का मतलब है तपो आप, यानी कि जैसे धूप में कोई बैठा हुआ तपता है तो उसे परेशानी होती है, वो कष्ट होता है, वैसे ही साधना में जो बैठता है उसको तपना बोलते हैं कि भाई तपो। कहते हैं कि जितना सोना तपेगा उतना निखार आएगा, ऐसे ही आप तपो, जितनी आप साधना करोगे उतनी ज्यादा आप शुद्ध हो जाओगे, उतने ज्यादा अच्छे हो जाओगे, उतना ज्यादा मन आपका अच्छा होगा। इसलिए तप करते रहना चाहिए, साधना करते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध के बाद में जो प्रक्रिया बनी और जो क्रिया बनी उसमें जो 12 पूर्णमासी होती हैं और 12 अमावस होती हैं और 12 अमावस होती हैं तो 24 तो साल में दिन ये थे और दो बार अठमी आती है, 24 अठमी, तो 48 दिन तो वो तपना होता था और बीच में खास खास 8 और 9 दिन और आते हैं जब मौसम चेंज होता है, जिनको अठमी और नौमी बोलते हैं। तो 8-8 दिन ये या 9-9 दिन ये हो गए, कहीं 8 है कहीं 9 है। इसके अलावा जब जात लगाने जाते थे तो वहां विपश्यना साधना करते थे, या जब सेंटर में जाते थे, विहार में जाते थे तो वहां साधना करते थे। इसके अलावा जो उपवास रखना चाहे उपवास रख सकता है। उपवास का मतलब है कि घर पे वास नहीं करना है, उपवास करना है, अब कहीं और जाके वास करना है, रहना है, तो बिहार में जाकर रहते थे, वहां साधना करते थे एक दिन की, उसको उपवास बोलते थे। तो ये सारी प्रक्रियाएं वहां तप की चलती रहती थी आम आदमी के लिए। और जो भिक्कू है वो तो 24 घंटे तपते थे, यानी 24 घंटे वो साधना में रहते थे। और भगवान बुद्ध तो 24 घंटे जब तक उन्हें बोधि प्राप्त हुई तब तक वो एक्सपायर हुए, यानी शरीर छोड़ा उन्होंने, तब तक वो 24 घंटे और पूरी जिंदगी तपते रहे, साधना में रहते थे। और जो अर्थ भिक्कू हो जाते हैं वो भी साधना में रहते हैं। तो जितने भी लोग हैं उनको तपते रहना चाहिए, तपते रहने से वो शुद्ध होते रहेंगे, उनकी जो कमियां हैं वो निकलती रहेंगी। जो साधना करता रहता है उसके मन शुद्ध होते रहते हैं, जीवन बढ़िया चलता रहता है, घर अच्छा चलता रहता है। बहिचर्या चे, ये जो बहिचर्या शब्द है इसको कहीं कहीं ब्रह्मचर्या बोला गया है। आप पहले ब्रह्म में अंतर समझ लें, ब्रह्मचर्या और बहिचर्या क्या है, क्योंकि पाली का ओरिजिनल शब्द है बही और इसको ब्रह्म जोड़ा गया है, पाली में आधा रे नहीं होता, तो ब्रह्म से जितने शब्द हैं वो बाद में ऐसे के ऐसे संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, क्योंकि जिन्होंने बाद में इसको लिखा या बाद में ये कन्वर्ट किया उन्होंने इसमें आधा रे जोड़ा, ये कुछ ही शब्दों में है जो उन्होंने जोड़ा है। जैसे ये जो ब्रह्मचर्या है, बेसिकली ब्रह्मचर्या कोई चर्या नहीं है, बहिचर्या है। बहिचर्या का मतलब है कि जो आप जीवन में बाहर की तरफ चर्या करते हैं, एक चर्या तो आपके अंदर होगी शरीर में, जो आपके अंतचर्या है, जो आपके शरीर में और मन में चलती रहती है, एक बहिचर्या है जो बाहर की चर्या करते हैं। वो कैसी होती है? वो होती है आपके उठने की, बैठने की, खाने की, सोने की, बातचीत करने की, पढ़ाने की, पढ़ने की, कहीं आने की, कहीं जाने की, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी के एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी की लैंग्वेज, आपकी बात की वाइब्रेशन, आपकी आंखों का हिलाना, आपके नाक का हिलाना, आपका गर्दन का हिलाना, आपका हाथ का हिलाना, आपका होंठ का बनाना, आपकी भ्रकुटी का तनना, आपके माथे पे बल पड़ने, आपकी गर्दन का हिलाना, ये सारे जितने भी आप सिंबल और साइन से बात करते हैं या जो भी आप एक्टिविटीज करते हैं वो आता है बहिचर्या, यानी बाहर की चर्या है। इसमें मन आपके बाहर के प्रदर्शन करता है कि मन में क्या चल रहा है वो बाहर दिखाता है, तो इसको बहिचर्या बोलते हैं। इस बहिचर्या को ही गौतमचर्या बोलते हैं। गौतमचर्या का मतलब है गौचर भी बोलते हैं इसको, गौचर माने चलना होता है और गौ माने गौतम की तरह। बाद में गौ को गाय से संबंधित किया, जबकि गाय का पाली में नाम धेनु होता है, गाय नहीं होता, ना ही गौ होता है। तो गौ से संबंधित जितने भी हैं, यानी जितने भी शब्दों में पहले गौ लग गया इसका मतलब पुराने पाली के गौतम से संबंधित है। तो गौचर क्या होता है? गौचर का मतलब है जैसे गौतम ने चर्या कर जीवन को चलाकर बोधि प्राप्त की है, गौतम का मार्ग हो गया, यानी जिस पे गौतम चले हैं, चर रहे हैं, वो गौतम का मार्ग हो गया जो उन्होंने बोधि बताने के लिए बताया है, उसको गौचर बोलते हैं, उसको गौचर्या बोलते हैं। तो ये बहिचर्या या गौतमचर्या या गौचर
या गौतम का मार्ग या अधम का मार्ग या निर्वाण का मार्ग, ये सब एक ही शब्द है, तो इस पे आपको चलना है। यह है महामंगल सूत्र नंबर 32 और 33 है अरिय सच्चा, अरिय सच्चान दर्शनन। अरिय सच्चान दर्शनन का मतलब है कि जो अरिय सच हैं उनको देखते रहिए, जानते रहिए। ये 33 नंबर का है मंगल सूत्र का मन का। अरिय सच को कैसे दर्शन करना है, चार तरह के अरिय सच बताएं। पहले तो अरिय समझ लें क्या है। अरिय का मतलब है वो सच जो बिल्कुल ट्रुथ है, जो बदल नहीं सकते। दुख है नंबर एक, दुख का कारण है नंबर दो, दुख के कारण का निवारण है नंबर तीन, और नंबर चार दुख के कारण के निवारण का मार्ग है, रास्ता है। तीन तो आपको बहुत लोग बताएंगे मगर मार्ग का जो रास्ता बताया है वो बुद्ध ने बताया, इसलिए चार सत्य यही मिलते हैं। इनको श्रेष्ठ या आर्य या नोबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सत्य जानने के बाद में आप अच्छे होने के रास्ते पर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये पहली शुरुआत है धम्म में। जो धम्म सीखेगा सबसे पहले वो चार बातें जान ले कि दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है, निवारण का मार्ग है। अगर वो दुख को नहीं जानेगा तो दूर क्या करेगा, अगर दुख को नहीं समझेगा तो काम क्या करेगा धम्म में, अगर उसको ये नहीं पता कि उसे करना क्या है तो करेगा क्या। इसलिए धम्म में जब पहला कदम आदमी रखता है तो सबसे पहले उसे ये जानकारी दी जाती है कि ये काम करना है। दुख दूर करने के लिए काम हो रहा है, सुख आएगा। दुख जैसे दूर होगा सुख अंदर रहता है, जैसे ही दुख निकल के जाता है सुख आना शुरू हो जाता है। आपकी अगर किसी कटुता है तो जैसे ही कटुता खत्म होगी निर्मलता आ जाएगी। आपके मन में किसी चीज को चोरी करने का है तो जैसे चोरी का मन करेगा तो दुख आएगा, और जैसे ही आप उसको त्याग देंगे कि चोरी नहीं करनी है तो सुख अपने आप आ जाएगा, वो कहीं नहीं जाता, वो शरीर में बाई बर्थ आता है। तो अरिय सच्चानंग दर्शनंग होता रहना चाहिए, इसको जानते रहना चाहिए। ये है मन का नंबर, मन का मतलब मोती नंबर 33। और 34 है निब्बान सच्ची क्रिया। सच्ची माने जो होता है साक्षात प्रत्यक्ष होता है, क्रिया माने कारण यानी करना, अनुभव करना। और निब्बान का मतलब होता है अमृत पथ, यानी अमृत को छकने का आपने प्रत्यक्ष अनुभव करना है। यानी क्या करना है, निब्बान सच्ची क्रिया। सच्ची माने उसको सच्चाई से प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना है, क्रिया माने अनुभव करना। किसको करना है, निब्बान को। निब्बान का मतलब है कि अमृत पद को। निब्बान स्टेप बाय स्टेप आता रहता है, जैसे जैसे आप शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे निब्बान आना शुरू हो जाता है। आप जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे अनुभव आपका अच्छा होता चला जाएगा। आपने अगर किसी से हिंसा की है तो हिंसा का अनुभव आएगा तो शरीर आपका जलेगा। अगर आप हिंसा नहीं करेंगे तो आपका शरीर शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। अगर आप कहीं किसी व्यभिचार में जा रहे हैं या शराब पीने जा रहे हैं तो मन आपका व्याकुल हो जाएगा, और नहीं पियेंगे तो मन शांत रहेगा। अगर आपके मन में पाप कर्म आएगा तो बॉडी जलनी शुरू हो जाएगी, गर्म शुरू होनी शुरू हो जाएगी, और जब पाप कर्म का मन से निकल जाएगा तो बॉडी शांत हो जाएगी। ये प्राकृतिक नियम है, इसका अनुभव करते रहना चाहिए। ये है मन का नंबर, मोती नंबर 34, जो धम्म पद का बहुत ज्यादा बताया जाता है धम्म पद में भी, और महामंगल सूत्र का 10वां सूत्र है। धन्यवाद। आपने मंगल सूत्र का नाम सुना होगा, बड़ी बड़ी इमोशनल पिक्चर आती हैं मंगल सूत्र के ऊपर। स्त्री अपनी जान देने को तैयार होती है मगर जब विलेन यानी जो खलनायक होता है अगर वो मंगल सूत्र पे हाथ डाले तो हीरो को गुस्सा आ जाता है। जो महिला है वो आग बबूला हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है। मेरा मंगल सूत्र छीना तो समझो मेरे पति के प्राण छीन लिए। ऐसी महिमा मंडित करके मंगल सूत्र की डालते हैं ताकि मंगल सूत्र बिके और व्यापार चले, क्योंकि मंगल सूत्र में जो मनके होते हैं यानी कि जो मणि होती हैं, काले काले मोती होते हैं, वो भी तुलते हैं सोने के साथ में, उनका पैसा लगता है तो उसमें अच्छी कमाई ज़्यादा होती है। मंगलसूत्र बेसिकली एक गले में पहनने का ऐसा एक आभूषण है, एक ऐसा विभूषण है जिसमें काले मनके लगे होते हैं, और ट्रेडिशनली तो पीला धागा होना चाहिए, अभी सोने में भी वो आता है। मैंने बहुत छाना मगर मंगलसूत्र के बारे में आपको इससे ज़्यादा जानकारी कोई देगा नहीं। बेसिकली मंगलसूत्र जो है वो पुरुषों के और महिलाओं के यानी कि जो नर हैं और नारी हैं दोनों के ही पहनने की चीज़ है। बच्चे भी पहन सकते हैं, बूढ़े भी पहन सकते हैं, सभी पहन सकते हैं, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत कमाल की चीज़ है, उसको पहनना चाहिए। और अगर आप उसे पहनते भी नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मगर उसे मानना जरूर चाहिए, उसकी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। अगर मंगलसूत्र को आप मानते नहीं हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो सच में आपकी जान को खतरा रहता है, चाहे आप नर हैं या नारी हैं या बच्चे हैं या पुरुष हैं या कोई भी आप हैं। मंगल सूत्र का मतलब है जो कल्याण करे यानी मंगल, और सूत्र यहाँ बोला जाता है पाली में, इसको सूत्र बोलते हैं, यानी कि ऐसे वचन ऐसी बात जो आपका कल्याण करे।
और अगर महा लगा दें पहले तो महामंगल सूक्त हो जाता है, यानी कि बड़े कल्याण करने वाले, अच्छा करने वाले सूक्त। इन सूत्रों को, ये सूत्र लोगों का कल्याण करते थे, बुद्ध की वाणी है। 38 उन्होंने बताए, 38 महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए समान है, सभी के लिए बराबर है, खाली महिलाओं के लिए नहीं है। मगर पुरुष ने इन नियमों पर चलना बंद कर दिया, इसलिए पुरुषों ने इसकी महिमा खत्म कर दी और महिलाओं को जबरदस्ती दिया गया कि तुम्हें ये मंगलसूत्र मानने पड़ेंगे, तुम्हें याद रहे, इसलिए तुम्हारे गले में ये 19-19 मनकों की माला, यानी कि 19 मोती इधर हैं, मणि इधर हैं और 19 मणि इधर हैं काले रंग की। काले मतलब काले लोग होते थे इसलिए काले हैं, और पीले धागे का मतलब है क्योंकि बुद्ध का जो रंग मानते हैं वो भगवा कलर को पीला रंग भी बोल देते हैं, भगवा कलर का धागा, यानी बुद्ध के वचन है, बुद्ध ने बताया है। तो मंगलसूत्र का मतलब है कि 38 वो बातें जो काले लोगों की हैं और जो भगवान ने बताई हैं, इसलिए पीले धागे में हैं, आपको याद रहे, इसलिए उनको 38 मनकों को आप गले में डाल लीजिए और बीच में एक धम्म चक्र डाल लीजिए जो बाद में आया, तो आपको याद रहेगा कि ये धम्म की बातें हैं, कल्याण की बातें हैं। ये उसका प्रतीक बना। जब लोगों ने उन बातों पर चलना छोड़ दिया तो खाली ट्रेडिशन रह गया, परंपरा रह गई। लोग ये तो भूल गए कि वो मंगल क्या थे, मंगलसूत्र क्या थे, मंगल वचन क्या थे, वो कौन सी कल्याणकारी बातें थी, वो कौन सी गुड टॉक्स थी, गुड थिंग्स थी जो हमें 38 थी, 38 थी अप्लाई करनी थी। वो गले में 38 मन के बांध के बस काम खत्म हो गया और बाद में व्यापार में बदल गया। जितना जिसको बड़ा मंगलसूत्र जो ले सकता है, सुनार जो थे, जो स्वर्णकार थे, उनके मजे आ गए, वो वहाँ अपना धंधा करने लगे और उसके हिसाब से उनके मंगलसूत्र बिकने लगे। फिर ट्रेडिशन बन गया और फिर मंगलसूत्र को पति की जीवन से जोड़ दिया। बेसिकली तो पति अगर उन पे चलेगा तो उसका जीवन बचेगा, पति अगर नहीं चलेगा तो पति का जीवन खतरे में रहेगा। ऐसे ही अगर स्त्री उन 38 सूत्रों को मानेगी, 38 बातों को मानेगी, तो उसका जीवन कल्याणकारी रहेगा, वरना तो डामाडोल रहेगा, खत्म चाहे रहेगा, चाहे वो सांस ले लेते रहे या जीवित रहे। तो वो जो मंगलसूत्र हैं या महामंगलसूत्र हैं, वो सारे मंगलसूत्र भगवान बुद्ध ने बताए हैं। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। Dhammam saranam gacchami.